संबोधित कर रहे हैं। विभिन्न एसोसिएशन के सभी पधारे हुए सम्मानित सदस्यगण, सभी उद्योगपतिगण, निवेशकगण, इस अवसर पर मध्यप्रदेश से आए सभी अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, मध्यप्रदेश से चलकर जब मैं यहां आया हूं तो ये सुखद संयोग है, वो झीलों की नगरी और आपकी आनंद की नगरी दोनों का बराबर तालमेल है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं स्वयं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं और आप महाकाली की नगर वाले हैं, सारे सारे लोग हैं महाकाली, और महाकाल से इस सृष्टि का सृजन होता है, आनंद की वर्षा होती है, एहसास होता है। कभी कभी काल के प्रवाह में कई बार उथल पुथल का दौर है, जैसे सांस भी आती और जाती है, ये स्पंदन बराबर बना रहता है। और कितना सुखद संयोग है, कलकत्ता के निवासियों के लिए तो परमात्मा की विशेष कृपा है। जहां से 105 साल पहले हमारे स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, वह उद्घोष उनने तब कर दिया जब चारों ओर अंधकार था। और न केवल स्वामी विवेकानंद की बात है, आप कहीं से शुरू करो तो गुरुवर परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी का ध्यान आता है, जिनने इस कर्मशील दुनिया में, हम सब कर्म प्रधान दुनिया के लोग हैं, खास करके भारत का मूल दर्शन, कभी कभी ध्यान भटकता है। ध्यान भटकने का कारण कहीं न कहीं दूर से देखने वाले हमारे अपने सनातन धर्म को, हमारे दर्शन को अकर्मण्यता से भी जोड़ लेते हैं। हम बैठे रहेंगे, भगवान अपने आप दे देगा। तो भगवान के प्रति एक ललक पता नहीं कितने प्रकार के लोगों को कहां कहां भटकाती है। लेकिन मैं इस नाते से जरूर कह सकता हूं कि कलकत्ता वो धरती है जहां विवेकानंद ने भगवान की इच्छा जरूर जाहिर की कि मैं भगवान देखना चाहता हूं, लेकिन भगवान को देखने के बाद सच्चे अर्थों मनुष्य के अपनी पहचान दिलाने वाले परमहंस भी इसी धरती पर, इसी कलकत्ता से थे, जो कर्म के आधार पर दुनिया में मनुष्य को उस ललक की तरफ ले गए। हम कभी विवेकानंद का जीवन देखेंगे तो ध्यान में आएगा, जिनने अपनी तमाम पढ़ाई के बीच में भगवान को देखने की जिज्ञासा प्रकट की, लेकिन एक बार भगवान को देख लिया तो वो भगवा वस्त्र जरूर धारण करते रहे, लेकिन सच्चे अर्थ में वो मानव धर्म को समझते हुए उनने हमारे अपने कर्मों के आधार पर चल करके भारत के गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव का संकल्प धारण किया। इसलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, आप उस स्थान के भी लोगों, मैं आपको बधाई देना चाहता। जाने अनजाने काल के प्रवाह में सरकारों के बीच जब हम अपने कुर्सी पे बैठते हैं तो दोनों पक्ष से हमारा संपर्क आता है। एक पक्ष आता है जो नीडी पर्सन है, जिसको आवश्यकता है वो काम मांगता है, अपनी कठिनाइयों में मदद मांगता है, और एक पक्ष जो इसमें अपना रोल अदा करता है। लेकिन जाने अनजाने पता नहीं क्या होता है कि उद्योगपतियों के प्रति सरकार की दृष्टि टेढ़ी रहती, मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूं, मैं उसको सीधा करना जानता हूं, मुझे सीधा करना अच्छा लगता है। उद्योगपतियों के साथ खड़े होकर के अगर विकास के कारवां में सरकार खड़ी नहीं रहेगी तो कहां खड़े रहेंगे। सरकार को तो इसमें बराबरी से साथ देना पड़ेगा, सरकार को उद्योग और निवेशकों को आमंत्रित करना पड़ेगा। हमारे इस देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री का मैं अभिनंदन करता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से पूरा देश केवल 10 साल के छोटे से समय में कहां 11वें नंबर पे थे, कहां 5वें नंबर पर आ गए दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था में, एक बार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। भारतीयों में कोई कमी नहीं है, उनकी युक्ति, बुद्धि, क्षमता, योग्यता, सभी प्रकार के काम को करने कराने के लिए, लेकिन काम को करने कराने के लिए ये जो शासन की अम्ब्रेला है, शासन की जो छतरी है, इसकी अनुकूलता भी चाहिए। कभी कभी छतरी ऐसे रखना चाहते हैं और पानी को उल्टा तरफ ले जाने के बजाय छतरी उल्टी करके हम चाहते हैं कि पानी हम पे नहीं आए, ये कैसे हो सकता है।
ये तो हमको समझने की जरूरत है। शासन के अंदर शासन के सभी अंगों को चलाने के लिए, क्योंकि मैं जिस धरती से आता हूं वो सम्राट विक्रमादित्य की नगरी भी है, और हमारे यहां विक्रमादित्य की नगरी अर्थात उज्जैन ये 2000 साल पहले भी सुशासन के लिए जानी जाती थी। दानशीलता, वीरता, न्यायप्रियता, जितने प्रकार के मानवोचित गुण हो सकते हैं एक व्यक्ति में, वो सब कैसे हो सकते हैं, ये उनके कारण से जानी जाती है। इसलिए हमारे यहां पुरुषार्थ पराक्रम में अगर कोई बात आती है, किसी नाम से अगर कोई संस्कृति गौरवान्वित होती है, वो स्वामी विवेकानंद के समान विक्रमादित्य को भी 2000 साल पहले इसी नाते से याद किया जाता था, जिसके कारण से शासन की व्यवस्था में शासन का मन कैसा होना चाहिए। मुझे इस बात की आनंद भी है, मैं कोट भी करता हूं इस बात को कि हमारे यहां सन प्रारंभ होने से, जैसे ये ईस्वी सन 2024 है, तो ईस्वी सन 2024 ये ईसा मसीह के जन्म के साथ जुड़ता है। कोई और संवत होगा या सन होगा तो किसी महापुरुष के शरीर छोड़ने से हो सकता, लेकिन दुनिया में एकमात्र देश भारत है जो अपने यहां के सुशासन के साथ साथ अपने पूरे देश में आर्थिक रूप से समृद्धि की संकल्पना के आधार पर वो सम्मत प्रवर्तन कराता है। आर्थिक रूप से समृद्धि कैसी कि दुनिया के अंदर धन की भी महत्ता है, इसलिए साल में हम एक बार दिवाली मनाते हैं, ये हमारा धर्म का आनंद भी है, लेकिन पूरे साल दिवाली नहीं मनाते हैं, पूरे साल दिवाली की मिठाई खाते हैं, ये हमारी संस्कृति की विशेषता है, क्योंकि हम जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं। हम हर एक किसी के साथ, गरीब से गरीब आदमी के भी दरवाजे पर आनंद का सवेरा देखना चाहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारे अलग अलग अधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी है, हमने अपने मध्यप्रदेश की सरकार बनने के बाद ये योजना बनाई कि हाँ इन्वेस्टर समिट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टर समिट आमतौर पर हमारे यहाँ पहले एक ही शहर में होती थी, लेकिन एक शहर से पूरे प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। प्रदेश बहुत बड़ा है और प्रदेश की संभावना भी बहुत बड़ी है, और प्रदेश की संभावना में कौन सा सेक्टर छूटेगा। अभी मैं लाइन से सबके प्रेजेंटेशन देख रहा था, हमारे यहां से कॉटन निकल करके पूरे देश में जाता है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की संभावना अगर कहीं है तो सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में है। मुझे इस बात का आनंद है, अब मैं अभी इसमें कोयम्बटूर गया था और मुझे कोयम्बटूर में कई सारे लोगों उद्योगपतियों से मिलने का मौका मिला, तो मुझे ये भी जानकारी दी गई, इसमें अधिकांश लोग तो कलकत्ता के हैं। मैं कलकत्ता वालों के पुरुषार्थ को नमस्कार करता हूं, आपको बधाई देना चाहूंगा, जो यहां से वेट कर देख रहे हैं कि काटन कहां से मिलेगा और कपड़ा कहां बनेगा, ये अपने ये उद्यमशीलता है, यही तो सृजनशीलता है कि हमारे काम को करने के लिए हमारे लिए व्यापार व्यवसाय के केंद्र कहां से हो सकते हैं, व्यापार बढ़ेगा कहां से। लेकिन इसकी बीच की कड़ी में मार्ग निकालने में आया हूं, मैं कह रहा हूं कि कोयम्बटूर में जरूर इंडस्ट्री लगाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश भी पलक पावड़ बिछा के आपका स्वागत करना चाहता है, आपको आमंत्रण देना चाहता है। आप कहां से कहां काटन बना करके कपड़ा बना करके अपने दो दो तरफ आपको आना जाना पड़ेगा। आज के जमाने में सबका समय कीमती है, जो कोयम्बटूर में मदद मिल रही वो मध्यप्रदेश सरकार देने को तैयार है, आपके लिए कोई कष्ट नहीं है, सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों के लिए, और न केवल रेडीमेड गारमेंट्स की बल्कि माइनिंग के सेक्टर से लगा करके इंडस्ट्री में जिस क्षेत्र में भी जाना है। ये हमारे कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाले हैं, आप कह रहे हैं कि ये नॉर्दर्न इंडस्ट्री से लगा करके सभी प्रकार के, तो एनर्जी का सेक्टर हो, टूरिज्म का सेक्टर हो, जिस भी सेक्टर में जो भी इंडस्ट्री लगाना, हेवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई सेक्टर हो, लघु कुटीर उद्योग हो, सभी क्षेत्रों में समान रूप से केवल हमारे अपनी जमीन का, बिजली का, या ये जो बताई गई पॉलिसियों पे भी बात नहीं कर रहा हूं, ये पॉलिसियों पे बात करना तो हमारे अधिकारी कर देते हैं। अरे आप आइए और आपको लोगों पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। तो जब हमको काम कराना ही है तो काम कराने के लिए हमारा मन भी बड़ा करना पड़ेगा, और जब मन बड़ा करेंगे तो मार्ग निकलेंगे, क्योंकि आगे पीछे परमात्मा ने आपको अगर मौका दिया है तो मुझे भी मौका दिया है, और आपका और मेरा मौका मिलकर के न केवल मध्य प्रदेश, मैं ऐसा नहीं कहता कि कलकत्ता या बाकी राज्यों में आप काम बंद कर दीजिए, जहां आप काम कर रहे हैं वहां जरूर करिए, लेकिन काम के आयाम को रोकिए मत,
ये परमात्मा की दया है, उनने आप में प्रतिभा दी है, क्षमता दी है, योग्यता दी है, अवसर दिया है। इस अवसर को पहचाने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जहां भी हैं वहां से 10-10 गुना आगे बढ़े और 10 प्रकार के काम करें, इसी प्रकार से काम करते जाएंगे तो मुझे लगेगा कि अपनी आज की हमारी ये मीटिंग सफल हुई। मेरी अपनी ओर से पुनः आपको सबको निमंत्रण है और मैं तो काल की नगरी से आता हूं बाबा, महाकाल की नगरी से आता हूं। महाकाल को महादेव के नाते से जानते हैं, महादेव का अपना महादेव वाला स्वरूप तो हम सबके लिए आशीर्वाद वाला है ही, लेकिन सच्चे अर्थों में वो जन्म से मृत्यु के बीच का सबका समय नियत है, इसका इंगित करने वाले देवता भी है। अर्थात समय सदैव सबके लिए मिला है, ये हम पे है कि हम समय का सदुपयोग करें। और हम और भाग्यशाली हैं जब यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार सरकार बना करके भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था में ले जाना चाहते और हम और आप मिलकर के सभी राज्यों के साथ भारत के साथ कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश भी उनके नेतृत्व में चलना चाहता है। और निश्चित रूप से आपके सबके माध्यम से सभी सेक्टर में हम सब मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे, देश को भी आगे बढ़ाएंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे और हमारे अपने बाकी जितने भी आप पे निर्भर रहने वाले लोग भी आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और अब देखते हैं तेज रफ्तार में खबर।